अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल एट्स मेडी व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन कोरमा शादियों वाला। तो यहाँ हमने ले ली है 1 किलो चिकन। इसके बाद स्पाइसेस में आपने यहाँ लेना है तेज़पात, बादियान का फूल, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साबुत काली मिर्च। और स्पाइसेस में यहाँ मैंने मिक्स करके रखा है तो नमक, मिर्ची, हल्दी और पिसा हुआ धनिया। ये सारे स्पाइसेस हैं। आपने 1 कप दही लेना है और इस दही में सारे स्पाइसेस को मिक्स कर देना है। देन यहाँ मैंने ऑयल लिया है। ऑयल आपकी मर्ज़ी है, आप लोग ज़्यादा रखें या कम रखें। यहाँ मैंने 3 कप ऑयल लिया है। इसके बाद आप लोग प्याज को डीप फ्राई कर लेंगे और इतना डीप फ्राई करेंगे ये लाइट गोल्डन से कलर में आ जाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा काली मत करिएगा वरना कोरमा आपका जो है काला सा हो जाएगा। अब योगर्ट में आपके जो स्पाइसेस हैं आपने वो सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये मैंने आपको बताया, नमक, मिर्ची, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ये आप दही में ऐड कर देंगे ताकि हम ये बाद में कोरमे में ऐड कर सकें। अच्छा, इसके बाद आपने ऑयल में सारा अपना गरम मसाला, जो साबुत गरम मसाला है, वो आपने इसके अंदर बघार के लिए पहले ऑयल में ये डालना है ताकि मज़ेदार सी खुशबू आए आपके कोरमे में। इसके बाद आपको चिकन डालनी है। चिकन आपने इसके अंदर ऐड करनी है और चिकन को फ्राई कर लेना है। अच्छा, फ्राई करते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि चूल्हे की आंच जो है ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा लो मत रखिएगा वरना चिकन बाद में आपकी टूट जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको पहले फ्राई करना है। अच्छा सा मज़ेदार सा इसको फ्राई करेंगे तो उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। आप इसके अंदर फिर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून लिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप लोग भी इतना लीजिएगा। ये 1 किलो चिकन का मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपने इसमें डीप फ्राई करना है और दही में हमने जो सारा स्पाइसेस मिलाया हुआ था, नमक, मिर्ची, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, आपने इसके अंदर दही ऐड किया है। उसके बाद यहाँ मैं 1 टेबल स्पून यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लुक ये देगी, आप लोग देखिएगा, और इसका जो लाल लाल सा रंग है बड़ा ही मज़ेदार सा आपका कोरमा लगने वाला है। ये आप लोग आगे देखेंगे जब आपका कोरमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड करके यहाँ इसे अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। और आपने अभी पानी ऐड नहीं करना है, ठीक है, आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। इस तरह से इसको काफ़ी सारा है, देखिए मेरी चिकन एक दफ़ा भी नहीं टूटी है। आप लोग भी इस तरह ही रखिएगा चिकन को कि आपके चिकन टूटे ना। आप इसके बाद आप लोग ऐड करेंगे इसके अंदर 1 कप वाटर, ठीक है ना, ज़्यादा वाटर यूज़ मत करिएगा। 1 आपने कप जो है वाटर इसके अंदर यूज़ करना है। यहाँ मैंने वाटर यूज़ किया है। उसके बाद आप लोग इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब आपने जो गोल्डन ब्राउन कलर की प्याज निकाली हुई थी, इसे चॉपर में आप लोग इसे ग्राइंड कर लीजिएगा, पानी मत डालिएगा, और इसे चॉपर में ही ग्राइंड करके बाद में ऐड करिएगा। यही वो राज है जिसकी वजह से आपका कोरमा शादियों वाला कोरमा लगेगा और मज़ेदार सा कोरमा लगेगा, दानेदार सा शाही कोरमा इसे ही कहते हैं। जो आपकी शादियों वाला लुक दे, जो आपकी दावतों में अलग सा लुक दे, उसे शाही कोरमा हम कहते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज को बाद में ऐड करके डाला, तो आप लोग भी प्याज बाद में ही डालिएगा, ये बहुत ही अच्छा लुक देगा कोरमे का। ठीक है, आपने इसके अंदर प्याज डालनी है। उसके बाद आपने इसे लो हीट पे पकने देना है और इससे ढक देना है। उसके बाद आप जब इसे खोलेंगे तो माशाल्लाह से आप देखें ऑयल भी ऊपर आ गया और इसका फेस देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। और आपने इसे गार्निश कर देना है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर मैंने मिलाया है, वो भी खुशबू के लिए। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने वाली है शादियों वाले कोरमे की। आपके बराबर बराबर वाले समझे, हाँ भाई कुछ बन रहा है घर में, बहुत ही मज़ेदार सा वो पहचान जाएंगे कि कोरमा बन रहा है। चलें जी, देखिए मेरी लास्ट शक्ल कोरमे की क्या नज़र आई है। माशाल्लाह से कितना प्यारा ही फेस नज़र आ रहा है इसका। और ये देखिए दानेदार सा कोरमा बना है। इसका सालन आप लोग देखिए, ये प्याज बाद में ऐड करने से इस तरह होता है। और चिकन भी नहीं टूटी मेरी। तो आप लोगों को आज की चटपटी सी रेसिपी मेरी पसंद आई हो, मज़ा आया हो इसे, तो इसे घर में अपने ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी दावतों में ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे बताइएगा कि मेरे कमेंट्स बॉक्स में कि किस तरह से आपका ये कोरमा बना है। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।